Good morning everyone. Today in 11th standard commerce, we are going to study one more topic in economics, and it is about degree of price elasticity of demand. So, हम आज degree of price elasticity of demand के बारे में कुछ समझेंगे. ये अलग अलग extent of demands को दिखाता है और अलग अलग level of जो change जो demand में आता है उसको present करता है. यानी कि degrees और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द लेवल ऑफ चेंज इन डिमांड विद द लेवल ऑफ चेंज इन प्राइस. यानी कि कितना प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कैसा चेंज आता है और उसको आप किस लेवल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में हम थोड़ा आज समझेंगे. सो द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 5 degrees एज अंडर. तो जो भी एक्सटेंड ऑफ चेंज यानी कि जितना डिमांड में चेंज आता है प्राइस में चेंज आने की वजह से, उसको 5 अलग अलग डिग्रीज के थ्रू आप दिखा सकते हो. सो फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सो व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज इन द डिमांड विद द नेग्लिजिबल चेंज इन द प्राइस देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. यानी कि डिमांड में यहाँ पे इनफाइनाइट चेंज आता है विद द नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस, तो उस तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप परफेक्टली इलास्टिसिटिक डिमांड कह सकते हो. हियर द फॉर्मूला इज बीइंग इज सेम फॉर एवरी लेवल और फॉर एवरी डिग्री, दैट इज ईपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. हर एक डिग्री इसके लिए, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो, फिर या फिर रिलेटिव इलास्टिक डिमांड हो या फिर रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड हो, हर एक के लिए फॉर्मूला यही रहेगी. क्योंकि ये हर एक लेवल जो है वो एक ही चीज़ को दिखाता है, दैट इज शोइंग द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड विद द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. सो हियर इन द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड there is an infinite change in the demand with the negligible change in the price. यानी कि यहाँ पे जो change जो demand में आ रहा है वो infinite के तौर पे दिखाया गया है, which can be represented in this way, that is a by 1 is equal to infinite. Here in the diagram you can also see that the DD curve is lying parallel to the x-axis, that is showing the infinite change in the demand when the price is remaining the same. Such elasticity of demand is not found in reality, but in the theory of economics, such demand is explained in a perfectly competitive market. ऐसी जो perfectly elastic demand जो है उसको रियलिटी में आप देख नहीं सकते, इसको रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज़ इंक्लूडेड एंड इट कैन बी फाउंड इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. नाउ सेकेंड डिग्री इज रिलेटेड टू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. सो इट इज ऑपोजिट टू दिस वन. इन दिस इन इलास्टिक डिमांड देर इज नो चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन प्राइस. सो वेन देर इज नो चेंज इन द डिमांड विद द एक्सटेंड और विद द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन द प्राइस, देन इट कैन बी टर्म्ड एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. सो इफ देर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी बाई 10%, बट देर आर द डिमांड विल रिमेन कॉन्स्टेंट which is being shown by 0, then the demand will also be, means the price EP is equal to 0. So the perfect inelasticity of in the perfect inelasticity of demand, the EP is equal to 0, which indicate then that with the change in the price that there is no change in the demand. So perfectly inelastic demand shows with there is no change in the demand with the change in the price. That why the EP is equal to 0, it is being represented in that way. So
here by the way of diagram also you can understand that how the perfectly inelastic in the perfectly inelastic demand there is no change in the demand with the change in price. So here the DD curve is lying is a line is a straight line which is being drawn on the x axis. It is a vertical straight line that is drawn on the x axis. That is representing that there is no change in the demand with the change in price. तो perfectly inelastic demand में ये जो DD curve जो vertical एक vertical straight line है ये ऐसा express करता है कि किसी भी तरह का change भले ही price में आया हो demand जो है constant है demand जो है उसमें किसी तरह का change arise नहीं हो रहा. So here you can write in this way, as shown in the diagram, DD curve is a vertical straight line showing that whatever be the change in price, there is no change in demand. Here the next point is related to unitary elastic demand, that is EP is equal to 1. So in the unitary elastic demand, when the change in the demand is equal to the proportionate change in the price, then such a demand can be termed as unitary elastic demand. यानी के यहाँ पे जितना extent of change जो price में आ रहा है उसके हिसाब से ही demand में भी अगर change आए तो उसको आप unitary elastic demand के तौर पे present कर सकते हो. Here the example is also being given. Suppose the proportionate change in price of any commodity is 5% and the proportionate change in demand is also 5%, then the result will be 1, which is showing the unitary elasticity of demand or unitary elastic demand. By the way of diagram, same thing is being presented. So in a diagram on the demand curve DD, when price fall by PP1, demand which expand by MM1 is exactly same as the price change. यहाँ पे जो price fall हो रहा है that is being expressed as PP1, there is a same level of fall in the demand. Or you can say same, the demand is expanding by MM1. Here the change in the price is also being proportionate to the change in demand. So that is why it is being stated that when the change in the PP1 or when the price that is being fall, that is falling, which is expressed by PP1 amount, the demand is which expand by MM1 is similar to the price. यहाँ पे जो price fall हो रहा है उसके हिसाब से जो demand में जितना level of extension आ रहा है वो दोनों same है, इसलिए इसको unitary elasticity of demand कह सकते हैं. We are going to complete the remaining 2 degrees of elasticity of demand, that is 4th, relative elastic demand, and 5th one, relatively inelastic demand. In relatively elastic demand, the proportionate change in demand is greater than the proportionate change in price. That's why the EP is being shown greater than 1. So consider or take an example that if there is a rise in the price of a commodity by 10%, and at that time the demand will fall by 30%. So here you can see that the change in the demand is more or greater than the change in the extent of price. So the change in demand is being shown by 30%. While the change in price is of only 10%, the result will be 3, which is showing the relatively elastic demand.
it is also being expressed in the form of diagram. So in the diagram, on the demand curve DD, when price rises by PP1 amount, the demand fall by MM1 amount, which is proportionately greater than the price. This is observed in case of luxurious goods. यहाँ पे जो भी राइज जो प्राइस में हुआ है वो PP1 के थ्रू दिखाया गया है, जबकि जो भी चेंज डिमांड में आ रहा है वो MM1 के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। और इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि जो PP1 में जितना राइज हो रहा है वो डिमांड के कंपैरिजन में कम है, और जो डिमांड में जितना MM1 में जितना चेंज आ रहा है वो PP1 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। सो बाय दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी दैट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस विच इज बीइंग शोन बाय PP1 एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड दैट इज बीइंग शोन बाय MM1, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज क्वाइट far greater than the proportionate change in price. So here you can see that the proportionate change which is being shown by MM1 is greater than the proportionate change in the PP1 line, that is indicating the price. The next point is related to relatively inelastic demand, which is opposite to this one. Here the EP is lesser than 1. So you can say that when the proportionate change in demand is lesser than the proportionate change in price, then such a demand can be termed as relatively inelastic demand. तो जब जो भी डिमांड में चेंज आ रहा है वो जितना प्राइस में चेंज आ रहा हो उससे थोड़ा कम हो तो उसको आप रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कह सकते हो। सो ईपी इज इक्वल टू 5/20। यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया गया है। सपोज इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर फॉल्स बाय 20 and at that time the demand is expanding just by 5%, the result will be 1/4, which is showing the relatively inelastic demand. यहाँ पे जो result आपको दिखाया गया है that is 1/4, it is expressing the relatively inelastic demand which is lesser than 1. In the diagram on demand curve DD, when price rises by PP1 amount, demand falls by MM1 amount, which is proportionately lesser in this type of elasticity. And this can be necessarily observed in case of food grains, oil, milk, etc. तो यहाँ पे जो भी चेंज प्राइस में आ रहा है वो PP1 के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, जबकि जो चेंज डिमांड में आ रहा है उसको MM1 के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। एंड बाय द डायग्राम यू कैन सी दैट व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग बाय 20% द डिमांड इज ओनली एक्सपांडिंग बाय 5%। तो यहाँ पे जो चेंज जितना प्राइस में आ रहा है उसके कंपैरिजन में डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा कम है, और उसको आप रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कह सकते हो। ऐसा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कुछ गुड्स के में देखा जा सकता है, जैसे कि फूड ग्रेन्स, मिल्क, ऑयल, ऐसे प्रोडक्ट्स में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड जो है वो अराइज होता है, जबकि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो है वो कुछ लग्जरियस आइटम्स में पॉसिबल है, जैसे कि मोबाइल फोन, कार और एनी गोल्ड और मेटल प्रोडक्ट्स। तो उसमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आप दे सकते हो, जिसमें जो प्रोपोर्शनेट चेंज जो डिमांड में आ रहा है वो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है।
और यहाँ पे उसके आया थोड़ा ऑपोजिट, जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड में आ रहा है वो उसके प्राइस के प्रोपोर्शन में थोड़ा कम हो सकता है। थैंक यू।